डरना नहीं है बिल्कुल, स्टार्ट करो। ओनी को ऐसे क्लोज करके रखना है। नक्सलियों से मोर्चा लेने के लिए अब हमारी एक बड़ी स्पेशल काइंड की बटालियन है जिसका नाम है बस्तरिया बटालियन। इसे दंतेवाड़ा में डीआरजी की सिक्स्थ टीम के रूप में ये काम करेगी। लड़ाई करने के लिए जो तैयारी किया जाता है वही तैयारी की है हमने। इनिशियल लेवल पे 30 की एक फोर्स तैयार की गई है महिलाओं की, जो कि अपने मेल काउंटर पार्ट्स की तरह नक्सल इरेडिकेशन, जो हम बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना चाहते हैं, उस अभियान में अपना योगदान देने का उनको एक मौका मिल रहा है। इसी इलाके में किस तरीके से ये ऑपरेशन करेंगे, किस तरीके से आगे हम लोग नक्सल चुनौतियों का सामना करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ही बस्तरिया बटालियन को रेज किया गया है और उसको ध्यान में रखते ही इन्होंने ट्रेनिंग करी है। हमारी फौज में आप जिस प्रकार की ट्रेनिंग सोच सकते हैं उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी है। हमारा मुख्य जो उद्देश्य था इनकी ट्रेनिंग में, उनको इतना टफ बना देना था कि नक्सल एरिया, क्योंकि यहाँ पे टेरेन भी बहुत टफ है, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत टफ है, तो ये सब इनको चुनौती लगे ही ना। हथियार की हमने इन्हें ट्रेनिंग दी है, शारीरिक प्रशिक्षण जितना हम इन्हें दे सकते थे बहुत ही उच्च दर्जे का दिया गया। जब नक्सली महिला जब ये सब कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? यहाँ की लड़कियाँ उन्होंने बचपन से माओवाद को देखा है, उन्होंने बचपन से नक्सलवाद को देखा है। हमारे पास कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं, मैं बताना चाहूँगी, जो खुद इस समस्या से उनके घर वालों को या उनके रिश्तेदारों को क्षति पहुंची है, तो उनके अंदर एक जज्बा है। हमारे भी तो जवान भाई लोग, यानी कि हमारे बाप भाई सब जब शहीद होते हैं तो हम लोगों को भी तो लगता है ना कि हम भी कुछ करें हमारे भाई लोग के साथ मिल के, जब उन लोग अपना जान न कर सकते हैं तो।